हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि इनशॉट ऐप से एडिटिंग कैसे करते हैं। तो आप इनशॉट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें ऑप्शंस आएंगे, वीडियो कैसे एडिट करना है, फोटो कैसे एडिट करना है और कोलाज कैसे लीजिए। तो अब हम वीडियो एडिटिंग करेंगे। गैलरी में जाइए, न्यू वीडियो ऐड कीजिए। जो भी वीडियो आपको एडिट करनी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम मल्टीपल फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको टिक करेंगे, देन हम देखेंगे इनशॉट में ये दोनों वीडियो आ चुकी है। आप इसके बाद और एक्स्ट्रा फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, उसी तरह वीडियो या फोटो ऐड कीजिए। और लीजिए, ऐड हो चुका है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ये कैसे ट्रिम करते हैं देखिए, कैसे आप हम साइड में से लेके इस वीडियो की वॉल्यूम लेंथ कम कर रहे हैं। इस तरह से आप इसका ट्रिम कर सकते हैं जितना पोर्शन आपको चाहिए। फिर हम फिल्टर पे जाएंगे। एक्चुअली मेरे अभी फिल्टर्स लोड नहीं हो रहे हैं, पर टेंशन मत लीजिए, आपके फिल्टर्स लोड हो जाएंगे। जो फिल्टर चाहिए वो ऐड कीजिए। इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं आप। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर वही कॉन्ट्रास्ट, लाइटनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। फिर इसके बाद आता है इमोजी। इमोजी पे क्लिक कीजिए, कोई भी इमोजी चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको फायर की इमोजी चाहिए, फायर की इमोजी लीजिए। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि आपको कहाँ रखना है, कितने साइज़ का रखना है, उस तरह से उसको वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। चाहे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितने दौरान तक, कितने टाइमिंग तक ये वीडियो में ये इमोजी चाहिए। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट कैसे रखना है। टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो हम इस पर लिखेंगे वेडिंग सीजन। और फिर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, जितना छोटा करना है, जितना बड़ा करना है, जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हैं आप। कितने वीडियो के लेंथ में रखना है आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे कि हमें कौन सा सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग पे चाहिए फीचर्ड म्यूज़िक हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर माय म्यूज़िक में चाहिए, जो कि आपके पास जो ऑडियो फाइल्स होंगी या फिर रिकॉर्डिंग्स या फिर सॉन्ग्स होंगे, आप उसमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेलर स्विफ्ट का गाना ऐड करेंगे। फिर उस गाने की फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से हम वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे। कितना पोर्शन चाहिए हमें ऑडियो का, हम उतना रख सकते हैं। तो देखिए, हम वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हैं, कितना पोर्शन चाहिए वो एडजस्ट कर रहे हैं। फेड इन, फेड आउट, कितना पोर्शन काटना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर हो गया, अब आपने सॉन्ग ऐड कर दिया है अपना। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है देख रहे हैं आप वीडियो को, तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे। अब हम करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चाहे तो आप वही वीडियो का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से कोई भी कलरिंग बैकग्राउंड, या फिर आप गैलरी से भी अपने कोई फ़ोटो उठा के उसमें डाल सकते हैं बैकग्राउंड में। मेरे ख्याल से वीडियो का बैकग्राउंड ही बेस्ट रहेगा। फिर इसी तरह आप स्पीड कम ज़्यादा, कितनी फास्ट चाहिए आपको वीडियो, आप कर सकते हैं और टिक कर दीजिए। फिर आप देख सकते हैं फ्रेमिंग का ऑप्शन आएगा, आपको कितना चाहिए, कितना रेशियो चाहिए, 16:9, 4:5। मेरे ख्याल से 1:1 इज़ द बेस्ट। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और क्रॉप का ऑप्शन, आपको किधर क्रॉप करना है, किधर हाईलाइट करना है ज़्यादा, आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हम रोटेट भी कर सकते हैं, बट रोटेट करने की इस वीडियो में ज़रूरत नहीं है।
तो सेव का ऑप्शन है, सेव कीजिए, हाई क्वालिटी पे सेव कीजिए तो आपका वीडियो क्वालिटी बेस्ट आएगा। तो हमारा वीडियो सेव हो रहा है।